नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम अगली क्लास में करेंगे क्लास 6 का चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि हमारा फ्रॉम हंटर हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। चैप्टर 2 में क्या है, हम देखेंगे कि जो पास्ट के जो पीपल थे वो किस तरह से हंट करते थे, उनको किस तरह से गैदर करते थे, वो क्या एक जगह पे रहते थे, क्या अलग अलग जगह पे जाते थे, सबसे पहले फार्मर कहाँ पे आए, सीड के बारे में कैसे पता चला, क्रॉप कहाँ पे लगाई गई सबसे पहले, ये सारी चीजें हम चैप्टर 2 में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है हमारा, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो जो पास्ट के जो मेन थे हमारे, पास्ट के जो मेन थे उनको हम क्या बोलते थे, हंटर और गैदर्स। हंटर और गैदर्स क्यों बोलते थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप बाद में, फिर नोट कर लेना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको अपने नोट्स बनाइए, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है, मैं जो बोलता जा रहा हूँ बस उसका अपने भी उसमें नोट बनाइए, ताकि क्या होगा आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। क्लियर? तो समझते जाते हैं, जो पुराने जो मेन थे उनको हम बोलते थे हंटर और गैदरर्स। हंटर और गैदरर्स क्यों बोलते थे, हंट मतलब किसी का शिकार करना, गैदर मतलब इकट्ठा करना, क्योंकि जो पुराने जो लोग थे वो क्या करते थे, एनिमल्स का सारी चीजों का शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करके रखते थे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, इसलिए उनको बोलते थे हम हंटर्स एंड गैदरर्स। अब उसके आगे एनसीईआरटी बुक भी रखना अपने पास, ठीक है, जब ये वीडियो देखो तो अपने पास एनसीईआरटी बुक भी रखना, ये वीडियो देखो उससे पहले एक बार पूरी एनसीईआरटी बुक को रीड करो, ये वीडियो देखने के बाद अपने नोट्स बनाने के बाद वापिस एनसीईआरटी बुक को रीड करो, पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि कभी भूलोगे ही नहीं, ये आपके यूपीएससी आईएएस एमपीपीएससी सबके लिए काम आएगा। क्लियर? तो देखते जो पुराने जो लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, तो उसके बहुत सारे रीजन थे, लेकिन कुछ चार इंपॉर्टेंट रीजन है जो हमारी एनसीईआरटी में भी शो हुए हैं और जो बाकी के जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से वो चार रीजन है, नंबर 1, इफ दे स्टेड इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम दे ईट ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेस। इसका मतलब क्या है, अगर वो एक जगह पे ज्यादा समय के लिए रहते तो उस जगह में जितने भी एनिमल प्लांट जितने भी नेचुरल रिसोर्स है वो सब खत्म हो जाते, जब वो खत्म हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, वो दूसरी जगह पर। एक रीजन तो ये हो गया कि नेचुरल रिसोर्स जैसे ही खत्म हो जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। अब देखते हैं सेकेंड रीजन क्या है, तो सेकेंड रीजन है हमारा फॉर सर्चिंग ऑफ एनिमल आल्सो ग्रास फॉर एनिमल। जो पास के पीपल थे वो एनिमल पे डिपेंड थे, और एनिमल जो है वो किस पे डिपेंड है, ग्रास पे, अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो जो ग्रास है वो खत्म हो जाएगी, इसलिए वो क्या करते थे अपनी एनिमल के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, ये दूसरा रीजन। थर्ड नंबर, तीसरा रीजन क्या है, प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। जैसे हम देखते हैं गर्मियों में आम का सीजन आता है, बरसात में और किसी चीज का सीजन आता है, ठंड के टाइम में और किसी चीज का सीजन आता है, तो वैसे ही उनको प्लांट नेचुरल रिसोर्स के बारे में पता चल गया था कि कौन से टाइम में कौन से जो ट्रीज है उसमें फ्रूट लगते हैं, तो अलग अलग सीजन में होता है ये सारी चीजें, तो वो सीजन के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है वो है सर्चिंग ऑफ वाटर, वो ऐसी जगह पे ज्यादा रहते थे जहां पे पानी अवेलेबल हो, आसपास लेक्स हो, रिवर हो या फिर ओशन हो, ऐसी जगह पे वो रहते थे, ताकि वो क्या कर सके, क्रॉप भी या फिर अपने प्लांट्स लगा सके और अपने एनिमल्स को भी दे सके, इसलिए वो सर्चिंग ऑफ वाटर, ये चौथा रीजन हो गया। फिर आगे देखेंगे हाउ वी नो अबाउट एंशियंट पीपल, पुराने जमाने के जो लोग हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो देखो पुराने जमाने के जो लोग हैं उनके बारे में हमें पता चलता है ASI सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया की बात है, लेकिन पहले तो कोई वो नहीं था, कंटिनेंट थे सर, तो उसमें जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे उन्होंने क्या करा, बोन्स को, स्टोन को, इन सारी चीजों को निकाला और उससे पूरा का पूरा स्टडी की, उसके बाद हमें पता चला जो पुरानी मैनुस्क्रिप्ट है, इंस्क्रिप्शन है, इन सारी चीजों से भी हमें पता चला। जैसे हम बात कर लेते हैं जैसे मध्य प्रदेश है, एमपी, एमपी में भीम बेटिका है, वहां पे बहुत सारे जो पुराने जमाने के जो पीपल थे उनके स्टोन से, बोन से, ये सारी चीजें मिली है, मैनुस्क्रिप्टन भी मिला है, इससे अभी हमें पता चलता है कि जो पुराने जो लोग थे वो कैसे थे। अब बात करेंगे प्लेस दे वेर लिव्ड, ऐसे कौन सी जगह थी जहां पे वो रहते थे, तो नंबर 1 नियरेस्ट वाटर रिवर लेक्स एक्सेट्रा, वो ऐसी जगह पे रहते थे जहां पे वाटर इजीली अवेलेबल हो, पहले ही बता चुका हूं रिवर के पास रहेंगे।
लेग्स के पास रहेंगे, पॉइंट्स के पास रहेंगे। सेकेंड रीजन क्या उसका, वेयर द गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन अवेलेबल, और वो वहां पे भी रहते थे जहां पे अच्छी क्वालिटी का गुड अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का गुड अवेलेबल हो, या फिर स्टोन जो है हमारा वो अवेलेबल हो, क्योंकि वो स्टोन से क्या बनाते थे, वेपन्स एनिमल्स को हंट करने के लिए। तो जहां पे अच्छी क्वालिटी का स्टोन होगा वहां पे वो रहेंगे। हाउ दे फाउंड फायर, अब बात हम करेंगे कि उनने आग को कैसे खोजा। हम ये जानते हैं कि हमारे पास आग है, लेकिन पुराने जो लोग थे उनको कैसे पता चला, आग को उन्होंने कैसे ढूंढा, तो देखते हैं। इन कुरनाल केव्स, एक बार क्या हुआ, कुरनाल केव जो है एक गुफा है, उसके अंदर उन्होंने स्टोन से कुछ बना रहे थे। वो जैसे उन्होंने स्टोन को स्केटर किया तो वहां पे देखा कि कुछ स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको उन्होंने आग नाम दे दिया। क्लियर, स्टोन जो कर्नल केव है वहां पे उन्होंने स्टोन को आपस में टकराया तो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, स्पार्क से उन्होंने आग को डिस्कवर कर लिया। अब ये जो आग है उसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते थे वो, नंबर वन सोर्सेस ऑफ लाइट, उनके पास पहले सनी था सिर्फ लाइट का सोर्स, रात में अब उनके पास क्या हो गया, फायर, एक तो सोर्सेस ऑफ लाइट फायर हो गया उनका। दूसरा नंबर जो है रोस्ट मीट, जो मीट जो एनिमल्स को उन्हें हंट किया है, जो गैदर किया है, उसको मीट करके अगर वो खाएंगे तो उसको क्या होगा, ज्यादा टेस्टी होगा। तो सेकेंड रीजन ये हो गया। थर्ड रीजन है हमारा स्केयर्ड एनिमल, रात में लाइन आ गया उनको खा गया, तो इसलिए क्या करते थे वो, अपने पास उस फायर को, उस आग को जला के रखते थे, जिससे एनिमल डर जाते थे और भाग जाते थे। अब उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एजेस के बारे में, जो बुक्स में हमारी सो एनसीआर की बुक अपने पास रखना, उसमें दिया हुआ है पेजेस बाई चल रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें तीन चीजें दी है, एक दिया है पैलियोलिथिक, एक दिया है मेसोलिथिक, एक दिया है न्योलिथिक। ये सारी चीजें है क्या, तो पैलियोलिथिक जो है सबसे पहली एज, मतलब जहां से जो ह्यूमन बीइंग से जहां से स्टार्ट हुए उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज पुराने समय की। ये लगभग कितने साल पुरानी है आज से, 1200 ईयर एगो, आज से 12,000 साल पहले की बात है। क्लियर, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक जो पैलियोलिथिक के बाद जो आती है एज उसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज। क्लियर, फिर उसके बाद आती है हमारी न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज को हम बोल सकते हैं 1000 ईयर एगो, 1000 साल पहले जो चीज हुई है वो है न्योलिथिक एज। फिर 1000 साल के बाद हम आगे आगे जैसे 7th क्लास में जाएंगे, अभी इसके थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे 576 AD, फिर क्रिश्चियन का जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, फिर ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन ये तो है पुराने जमाने के लोगों के बारे में, पुराने जमाने के लोग मतलब 12,000 साल पहले, 1,000 साल पहले, इतने हजार हजार साल पहले की बात। अब जरा इसको स्क्रीन शॉट लेकर स्किप करके इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। क्लियर, देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है हमारा टॉपिक का, चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, तो देखो एनवायरनमेंट कैसे चेंज हुआ, लगभग आज से 12,000 साल पहले जो अर्थ का एटमोसफियर है एकदम वार्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया। जब बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जैसे कि हम सीड डालते हैं अंदर मॉइस्चर जाता है, ह्यूमिडिटी होती है तो वो ग्रो करने लगता है, तो वैसे ही जैसे बहुत 12,000 साल पहले अर्थ का जो एटमोसफियर जो था वो गर्म हुआ, तो बहुत सारे जो ग्रास थे वो ग्रो कर गए, शीप गोट ये सारी चीजें डेवलप्ड हो गई। ये सारी चीजें डेवलप्ड होती गई तो इसका रीजन क्या हुआ, डियर गोट इनके नंबर भी इंक्रीज होते गए। इनके जब नंबर इंक्रीज होते गए तो ऐसे जो पीपल, ऐसे जो मैन, ऐसे जो पास्ट के जो पीपल जो इनको हंट करके गैदर करते थे, इनके नंबर या इनके फॉलोवर भी क्या होते गए, बढ़ते गए। तो ये था चेंजिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, जो हमारा एटमॉस्फेयर था वो बहुत ज्यादा वार्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, उसका रिजल्ट क्या हुआ, नए नए प्लांट ग्रास ग्रो हुए, सीप गोट ये सारे कैटल भी ग्रो हुए, और फिर इनको फॉलो जो करते थे, जो हंट करते थे इनको, तो ये भी बढ़ गए। इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हायरिंग। अब फार्मिंग और हायरिंग की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, जैसे हम बहुत पहले से जानते हैं कि कोई सी भी चीज सरवाइव करने के लिए उसको किसकी रिक्वायरमेंट रहती है, फूड की। तो ये सारी चीजें ग्रास डेवलप्ड हो गया, सीप गोट ये सारी चीजें डेवलप्ड हो गई, तो इनके फॉलोअर्स जो थे वो भी क्या हो गए, डेवलप्ड हो गए। इन्होंने देखा कि कहीं पे सीड है, कहीं पे प्लांट ग्रो हो गया और वो उनके लिए यूजेबल है, तो
तो उन्होंने देखा कि इस तरह की क्रॉप्स की या इस तरह की प्लांट की ये टाइम है, इस टाइम में ये सारी क्रॉप हम लगा सकते हैं या ये प्लांट हम लगा सकते हैं, इससे हमें फ्रूट मिल सकते हैं। तो उनको हमने नाम दे दिया फार्मर। क्लियर, उनको हम बोलने लग गए फार्मर। और जो फार्मर थे वो अपने सबसे पास, जब जो सबसे पहले जो एनिमल उन्होंने अपने पास रखा वो क्या रखा, डॉग, एक डॉग रखा, एंसेस्टर डॉग, जो क्या करते थे, बाकी के जो एनिमल्स थे बहुत जागरूक रहता है, जो एक जो कुत्ता रहता है बहुत जागरूक रहता है, जिसको बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है किसी भी चीज की, तो उस उनको बाकी की हंट करने में, एनिमल्स को पकड़ने में, उसमें भी ये डॉग जो था वो उनकी हेल्प करते था। और फिर बाद में उन्होंने शिप को, बोट को, इन सारी चीजों को भी अपने पास रखा। अब एक नई टर्म आती है डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस इन विच अ पीपल ग्रो प्लांट। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, जो पीपल होते हैं वो प्लांट को ग्रो करते हैं और एनिमल अपने पास रखते हैं, मतलब कि प्लांट को ग्रो करेंगे और उन एनिमल को वो खिलाएंगे और वो खुद भी उसको लेंगे। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड हैविंग एनिमल, मतलब वो अपने पास एनिमल्स को भी रखेंगे और वो प्लांट्स को लगाएंगे। अब बात आती है अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अब लाइफ का नया तरीका। जैसे हम आगे जाते हैं, जैसे हमने देखा, नोटिस करते हैं, एक जो सीड होता है वो क्या करता है, जैसे ही सीड लगाया तो वो पहले क्या करेगा, ग्रो होगा, फिर ग्रो होने के बाद थोड़ा डेवलप्ड होगा, ब्रांचेस निकलेगी, फिर उसमें फ्रूट्स लगेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पुराने जो लोग हैं वो क्या करते थे, एक टाइम एक जगह पर कुछ ज्यादा समय के लिए रहते थे। क्यों रहते थे, क्योंकि उन्होंने कोई सा प्लांट लगाया। क्लियर, वो प्लांट ग्रो होगा, उसमें ब्रांचेस लगेंगे और फ्रूट लगेंगे, फ्रूट जब लगेंगे उसमें तो बाकी के लोग जो थे जिसने वो क्रॉप को लगाया, उस प्लांट को लगाया, वो भी वहीं पर रुकेंगे जब तक उसमें फ्रूट नहीं आएंगे। तो ये हमें पता चल जाता है कि जो पुराने जो लोग थे वो कुछ समय के लिए एक जगह पे रहते थे, तब तक रहते थे जब तक कि वो क्रॉप जो है वो जो फ्रूट है उसको बियर नहीं कर ले। क्लियर, ये तो है हमारा एक न्यू वे ऑफ लाइफ। अब बात आती है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, जो पहले जो फार्मर थे वो कहाँ पे आए और जो हर्डर थे वो कहाँ पे। तो ऐसा माना जाता है जो गंगा वैली या फिर नर्मदा वैली जो है वहां पे हमारे फर्स्ट फार्मर और जो हर्डर थे वो आए, और जिसको हम आज के जमा अगर आज के समय में बोले तो वो थे कश्मीर, जो नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो पार्ट है वहां पे जो फर्स्ट फार्मर और हर्डर डेवलप्ड हुए। उसके बाद नंबर आता है सिक्स टूवर्ड सेटल्ड लाइफ। अब सेटल्ड लाइफ की तरफ वो कैसे आए, तो जो आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सर्वे किया कुछ बोन्स का, कुछ स्ट्रक्चरों का, उनने उससे पता किया कि जो कुछ लोग थे वो अपने लिए क्या बना लेते थे, बिल्डिंग्स बना लेते थे या फोर्ट्स बना लेते थे और उसमें वो कुछ समय के लिए रहते थे। तो ये है सेटल्ड लाइफ, और ये भी वहीं पर देखी जाती है कश्मीर के पास, कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में। अभी का टाइम है ये कश्मीर, पहले तो वो उसको हम नॉर्थ और साउथ इंडिया बोल सकते हैं, पहले उसको हम बोलते थे सिंध प्रांत, सिंध रिवर के आसपास का जो एरिया है वो। जैसे टाइम निकलता गया तो एक जगह है बुर्ज होम आज के जमे में जो कश्मीर में, वहां पे जो पुराने लोग थे वो सेटल रहते थे। अब बात करते हैं हम मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ क्या है, मेहरगढ़ एक फर्टाइल प्लेन है, एक जगह है जहाँ पे लोग रहते थे, वहां पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स मिले गए हमें, वहां पे स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस मिले हैं हमें, और वो ऐसे हाउसेस जिनमें चार कंपार्टमेंट बने हुए, मतलब कि ये है कि जो पुराने जो ओल्ड जो पीपल थे वो भी अलग अलग रहते थे, उनके हाउसेस जो मिले हैं सर्वे में हमें उनमें कितने कंपार्ट बने हैं, चार कंपार्टमेंट। जैसे हम बनाते हैं ना, एक तरफ किचन बना दिया हमने, एक तरफ बेडरूम बना दिया, एक तरफ ड्राइंग रूम बना दिया, इस तरह के वो भी उनका भी कुछ था सिस्टम, ऐसा हमें सर्वे से पता चलता है। जब कोई पीपल मेहरगढ़ के पास के पीपल की बात है, जब कोई पीपल की डेथ हो जाती थी तो वो क्या करते थे, उसके लिए कुछ देर के लिए वहां पे शांत रहते थे, उसको पे करते थे, उसको रिस्पेक्ट पे करते थे, मतलब जैसे अब हमारे इधर कहीं डेथ हो जाती तो क्या करते हैं हम, थोड़ी देर हाथ जोड़कर या कुछ उसको श्रद्धांजलि देते। तो वैसे ही हमें पुराने लोगों के बारे में भी पता चलता है, वो कहाँ के थे, मेहरगढ़ के, वो क्या करते थे, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वो कुछ देर वहां पे रुक के उसको रिस्पेक्ट पे करते थे।
और कभी कभी तो जो बुरियल जो होती है, बुरियल मतलब, बुरियल का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों को दफनाते हैं या जलाते हैं। हिंदुओं के लिए अगर बात करें तो हम क्या होते हैं, वो शमशान घाट होता है। तो इस तरह से मेहरगढ़ के जो पीपल थे एक दूसरे को रिस्पेक्ट पे करते थे और वो रहते थे। ये बहुत पुरानी बात है, लगभग 12,000 साल पहले की, कहाँ से ये डेवलप्ड हुए। फिर उसके आगे हमारे इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड आते हैं, इंपोर्टेंट कीवर्ड। अब वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड कौन कौन से हैं, तो कुछ जो है मैं पहले बता चुका हूँ, जो नहीं बताए वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। डिस्कशन सभी का करेंगे, लेकिन जो पहले बता दिए उनका डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले चार बता देता हूँ, फिर बाकी के जो हमारे बच गए नहीं लिखे, जो पहले बता दिए उनको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला होता है साइट। साइट कैसी जगह है, साइट ऐसी जगह जहाँ पे पीपल रहते थे, जहाँ पे उनको रिवर वाटर के सोर्सेस मिल जाते थे, उनको हम बोलते थे साइट। जहाँ से, जैसे हम अगर आज के जमाने में बात करें, जहाँ पे सर्वे करते, जहाँ से ओल्ड एज के जो पीपल थे उनके स्टोन बोन ये सारी चीजें मिलती है, तो हम उसको बोलते हैं साइट। फिर आता है हैबिटेशन। हैबिटेशन क्या है, लिविंग इन अ प्लेस फॉर सम डेज, एक जगह पे कुछ दिन रहना, वहां की पूरी एडेप्टेशन, पूरे एटमोसफेयर को एडेप्ट करके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैबिटेशन। ये तो क्या है, ऐसे लिख दिया सिंपल कि कौन कौन से टॉपिक है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने वर्ड्स में नोट बनाते जाना है, वो है ज्यादा इम्पोर्टेंट। किसी के दूसरे के नोट से पढ़ना इतना बेटर नहीं है जितना कि अपना खुद का नोट बनाना। क्लियर, अपना खुद का नोट बनाओ, उसको एक बार रिवाइज करो, फिर भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, बस उसको रिवाइज करते रहना है, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम, जब यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो फिर यही तरह की प्रॉब्लम आएगी वहां पे। ये सारी चीजें पूछेंगे कि पुराने जमाने में कैसे थे लोग, सबसे पहले कहाँ पर रहते थे लोग, और उन्होंने सबसे पहले कौन सा एनिमल अपने पास रखा, किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से एनवायरमेंट चेंज हुआ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो साइट समझ गए, साइट क्या है, जहाँ पे स्टोन बोन ये सारी चीजें मिलती हैं। हैबिटेशन, एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ समय के लिए रहना। फिर आता है फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या है, ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर मेड, बहुत सारे बिल्डिंग का एक समूह जहाँ पे गुड्स को या वेपन्स को बनाते थे, उसको हम बोलते हैं फैक्ट्री। क्लियर, आज के जमाने में हम बोलते हैं इंडस्ट्री लग गई है, ये उसकी है, ये आईटी है, ये वो है। फोर्थ, बुरियल अभी बताया मेहरगढ़ के बारे में। बुरियल क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जो डेड बॉडी है उसको दफनाना या जलाना और वहां पे प्रे करना। अब कुछ जो चीजें, कुछ कीवर्ड्स से जिनको नहीं लिखा मैंने, मैं बता देता हूँ कौन कौन से, वो समझा चुका हूँ मैं पहले ही कौन कौन से कीवर्ड है। तो सबसे पहला है पैलियोलिथिक, लगभग आज से 12,000 साल पहले का, 12,000 साल पहले की बात है ये पैलियोलिथिक की। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक का मतलब क्या है, ओल्ड स्टोन एज। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक वो एज है जिसके बाद, पैलियोलिथिक के बाद जो एज आई वो है मेसोलिथिक। और न्यूलिथिक क्या है, न्यूलिथिक जो आज चल रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक और वर्ड आ जाता है, माइक्रोलिथिक। अब तुम सोच रहे हो ये कौन सी एज है, पैलियोलिथिक पुरानी हो गई, मेसोलिथिक बीच की हो गई, न्यूलिथिक अभी जो है वो है। तो फिर ये माइक्रोलिथिक क्या है, ये कोई एज नहीं है। माइक्रोलिथिक क्या है, माइक्रोलिथिक एक स्मॉल स्टोन है जिसमें क्या करा हमने, वो फ्लिंट बहुत शार्प करके उसको बनाया है। और वो क्यों बनाया, एनिमल को हंट करने के लिए। ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक जो तुमने पास रखी है उसमें जरा देखो, पहले पे फोटो उसके पेज पलट कर देखो, उसमें बने होंगे बहुत सारे जो स्टोन है उनको बहुत नुकीले बना दिए, उसको हम बोलते हैं माइक्रोलिथिक। क्लियर, तो ये था हमारा चैप्टर सेकेंड। सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि कहाँ पे रहते थे, न्यू एज लाइफ स्टाइल कहाँ पे हुई, बिल्डिंग कहाँ पे बनाना, तो बिल्डिंग कहाँ पे बनाई उन्होंने सबसे पहले कश्मीर के पास। मेहरगढ़ कौन सी जगह है वो हमने देख लिया, कि पुराने जो लोग थे उनकी डेथ हो जाती थी तो क्या वो प्रे करते थे, कुछ देर रुकते थे, उनको श्रद्धांजलि ये सारी चीजें जो होती है वो देते थे या नहीं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर सेकंड में देख ली। अब हम आगे देखेंगे चैप्टर थर्ड, जब तक कि ये सारा रिवाइज करिए, अपना खुद का नोट्स बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Yeah.